Gopikanandana Gopala Krishna. अश्विन पकड़ा गया सर। ढोलकिया को मार दो। क्या बदतमीजी है ये? काय को उठा के लाया मेरे को यहाँ पे? किशन हमारे हाथ में लग गया है। मैं समझा नहीं। साले शंकर को मारने भेजता है। अब बकवास नहीं करने का समझा? इतने साल से काम कर रहा हूँ सरकार के लिए, भगवान मानता हूँ सरकार को। अच्छा, और शंकर मेरे भाई जैसा भाई मानता मैं उसको। जब पब्लिक किसी को अपना भगवान बनाती है ना, तब मेरे जैसा शैतान पैदा होता है। शंकर मरेगा, मैं मारूंगा उसको। बोल कैसे? मैं शंकर का खास आदमी हूँ, ठीक? उसका सारा सिक्योरिटी मैं देखता हूँ, ठीक? घर में ही खलास करेगा सारे शंकर को मैं। अब मेरा और कुछ सुनना है? मेरे ऊपर वो ढुलक गया था। बोल। ढुलक गया तो किसी ने मार दिया। हाँ, वो लोग कुछ ऐसे काम करते हैं कि एक सिर्फ दो को जानता है, तीन को नहीं। तुम्हें मारने का ऑर्डर किशन को मैंने दिया, मुझे ढोलकिया ने दिया। अब उसके मरने के बाद उसके ऊपर का लिंक टूट गया। फिर तुम्हें जिंदा रखने का क्या फायदा? तो हम लाएंगे चक्रव्यूह अभिमन्यु तक। बाप बेटे को समाज सेवा का बड़ा शौक है। एक विदेशी कंपनी है, बिजली का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाहती है महाराष्ट्र में। ये 200,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद पहले ही साल कम से कम 20,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा और फिर हर साल बढ़ता जाएगा।
स्टार्ट हुआ तो क्या मतलब? मैम वो इंडिया है और ऊपर से महाराष्ट्र, नामुमकिन। मिस्टर काजी, मुझे नामुमकिन लफ्ज़ से सख्त नफरत है। आपकी नफरत या पसंद से प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो जाएंगी। डैड, आई डोंट लाइक हिज एटीट्यूड, इट्स नेगेटिव। इसे नामुमकिन से मुमकिन करने वाली कोई तो चीज होगी। चीज नहीं, आदमी। कौन? सरकार। और ये सरकार कौन है? नेता के लिबास में एक गुंडा। हर पिता की सबसे बड़ी जीत इसी में कि एक दिन उसकी अपने बेटे के हाथों से हार हो। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब तक मैंने जो कुछ भी किया, मेरे बेटे ने 2-3 सालों में ही उससे कहीं ज्यादा किए। शंकर कर लें, या तो आप पॉलिटिक्स कर लें या फिर हम धंधा। इस बात को लेकर दिल्ली में परेशानी बहुत बढ़ रही है। अगर आपने हमारी बात अभी भी नहीं मानी तो वैसे मंत्री जी भी यही चाहते हैं। आप मेरे घर आए और आज बाबा का जन्मदिन है, इसीलिए अब तक आपकी बात सुन रहा हूं। ये धमकी किसी और दिन दी होती। शंकर, बाबा बुला रहे। और मंत्री जी से कहिए अगर वो महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो महाराष्ट्र उनके बारे में सोचेगा। साकार रूप गोविंदा जीवन,
इलायची डाली कूट के? हाँ जी डाल दिया। हमारे घर चिक्कू यहाँ होते तो चिक्कू को नागपुर में अच्छा नहीं लगता होगा। अब भी भाभी से बात की और अगर चिक्कू को बुखार ना होता ना तो वो जरूर आते। कैसे हो शंकर? इलेक्शन के पहले तो आप रोज आते थे। सरकार ने सीएम बना दिया, अब टाइम कहाँ मिलता है। मैं काका से बोल देती हूँ, फिर आपको टाइम ही टाइम मिलेगा। नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। कांग्रेस आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। शंकर, ये अनीता जी। और मैं हसन कासी। जन्मदिन की बहुत बधाई सरकार। धन्यवाद। और शिंदे कैसे चल रहा है? कैसे चलेगा सरकार, जैसे हम कुछ करने लगते हैं कांगा जी वॉकआउट कर जाते हैं। इनका नाम करुणेश कांगा नहीं, जॉनी वॉकर होना चाहिए था। ए सीएम, अपनी कुर्सी आप हमें दे दो, वॉकआउट करना बंद कर देंगे। 11 MLA हमारे पास होते तो खीर में खटाई न डालनी पड़ती। ये आपका मीठापन है ना, जो इतने सारे MLA गोंद की तरह छिपका रखे। वक्त ही बताएगा कौन खीर है और कौन खटाई है। कांगा, अगर तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तो अपना मुंह बंद रखा करो। हाँ सुने, सरकार इन लोगों का एक प्रॉब्लम है। ये अनीता जी है, शेपर्ड पावर प्रोजेक्ट की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हेलो। और ये हसन कासी। आई एम योर फैन। आपने शेपर्ड पावर प्लांट का नाम सुना होगा? नहीं। ये इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा, 5000 MW। ये सब टेक्निकल बातें छोड़िए, पॉइंट पे आइए। से महाराष्ट्र की सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। परेशानी क्या है? परेशानी सरकार वो जगह जहां पावर प्लांट लगना है, ठाकरवाड़ी। ठाकरवाड़ी क्यों? हमने डिटेल्ड टेक्निकल सर्वेस किए हैं और हमारे इंजीनियर्स का मानना है कि ये ठाकरवाड़ी प्लांट लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह है, लेकिन प्लांट बनाने के लिए कुछ बड़ी आबादी वाले गांव वहां से हटाने पड़ेंगे। ये ठाकरवाड़ी के आसपास के इलाके हैं।
नायपारा, बेकुल, कुचेरा, सिद्धि, कुल मिला के 5 गांव हैं। और जब तक हमें जिंदे, जी सर, कितने लोग रहते हैं इन गांवों में? चालीस हजार लोग रहते हैं। तुम्हारा दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया? किस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आओ तुम मेरे पास? हो क्या गया तुम्हें? सर, पर मैंने सोचा कि वो, अगर तुम्हारी सोच का नजरिया ये है तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। किस दुनिया में रहते हो तुम? कितनी बार समझाया तुम्हें कि तुम पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, सिर्फ मुंबई के नहीं। दो कड़ी की राजनीति कर करके चीजों के देखने और सोचने की काबिलियत खो दी है तुमने। एक बात ध्यान से सुनो, तुम गवर्नमेंट से हो, गवर्नमेंट तुमसे नहीं है। बात को देखते ही लपक लेते हो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सरकार। ऐसे जंगल राज में कोई कैसे बिजनेस कर सकता है? जंगल पे तो सिर्फ शेर राज करता है, अगर मौका आने पर सच का सच जोकर भी शेर को नचा सकता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। लग रहा है यहाँ ये प्रोजेक्ट लगाना नामुमकिन है। अनीता जी, शादी से पहले पटाखे उन्हें छोड़ा करो। What do you mean? पूरी बातचीत में शंकर नागरे एक बार भी उसने मुंह नहीं खोला। तो बाबा, ये प्रोजेक्ट सही है। महाराष्ट्र की तरक्की कोई आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देगा। जनता आसमान पे नहीं, जमीन पे रहती है। जैसा आपने हमेशा कहा है, नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। वैसे यह भी सच है कि नजदीकी नुकसान देखने से पहले दूर का फायदा भी सोचना चाहिए। अगर जनता ने हमें अपना सब कुछ माना है तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उनके लिए वो फैसले लें जो कड़े हैं, मुश्किल हैं, पर सही हैं। अगर हम डर गए कि वो फैसले जनता को बुरे लगेंगे तो फिर कैसे नेता हैं हम? जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, क्या लगता है तुम्हें, कुछ खटक रहा है? लोग लोग हैं, संभाल लेंगे। वहां पर राव साहब को कैसे समझाएंगे? आप समझाएंगे। बाबा, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें समझना ही होगा।
महाराष्ट्र राजनीति की गंगा है तो ठाकरवाड़ी उसकी गंगोत्री। और मुंबई? मुंबई वो समुद्र है जहाँ सारी नदियां आकर मिलती। और राम साहब? आज मैं जो कुछ भी हूँ सब राम साहब की वजह से। इतने सालों बाद में उनके हर सीख याद आ रहे। शंकर, यहां से लेके वहां तक सारी मेरी जमीन है। नमस्कार। राव साहब कुठे आहे? राव साहेब इथेच आहे, पण तुम्ही कुठे आहात? मन में सच्ची आदर भावना हो तभी किसी के पैर छूने चाहिए। सूर्य चंदन, सरकार ही। ये धूप में सुखाई हुई छोटी छोटी मछलियों की आचार है। दिखावे और नफासत के मारे अंग्रेजों ने इसका नाम बॉम्बे डक रख दिया। अरे 60 साल के हो तुम, रोज खाया करो, नजर धुंधली नहीं होगी, दूर का साफ दिखेगा। कम से कम हलवा तो खाओ भाई। काका को घी तेल मना है। मालूम है तुम्हारी राजनीति में ना घी तेल की चिकनाई है ना ही नमक मसाले का तड़का। पर राजनीति पेट से नहीं दिमाग से की जाती है, क्यों शंकर बेटा? आदमी इकट्ठे करो, चूड़ियां पहन लिया इस सबने, सब बुला के लाओ सबको। नाना जी वो तहसीलदार गांव गांव घूम के शीशम कटवा रहा है, कहता है सरकारी पट्टे का है, चौक से नंबर लिख दिया है सारे पेड़ पे। आप उसको रोको नाना जी, नहीं तो कल तक पूरे ठाकरवाड़ी को उजाड़ बनाकर रख देगा। मैं बात करूंगा, देखते नहीं हो कौन आया है? साल पहले देखा था आपको इलेक्शंस के टाइम पे। नाना जी अगर उसकी जीप यहां दिखाई दी तो आग लगा दूंगा, बता दे रहा हूं। सोम जी कितनी बार बोला है हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बात करूंगा। करिए ना बात, बात करते रहिए, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा नाना जी, फिर आराम से बैठ के बात कीजिए। गांव में आग लगी है, बात कर रहे हैं, बात करते रहिए, एक एक को तोड़ दूंगा। एक चौरा सुभाष, ये मेरा नाती है संजय सोम जी, किसानों का कोऑपरेटिव चलाता है, थोड़े गर्म मिजाज का है मेरा सोम जी, लेकिन अच्छा लड़का है, यहाँ के किसान उसको बहुत मानते हैं, भाऊ बोलते हैं। शंकर बेटा आओ ना, आओ, फोन बाद में करना, बैठो बैठो। उन्हें झूठे सपने मत दिखाओ सुभाष, जो किसान सरकारी वादों को मजाक समझते हैं वो एक विदेशी कंपनी की बात कभी नहीं मानेंगे। बाबा इससे महाराष्ट्र को बहुत फायदा है। देखो मैं उन्नति के खिलाफ नहीं हूँ, पर उन्नति के नाम पर राजनीति शुरू हो गई तो सुभाष तुम्हारी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आप एक बार वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो देख लीजिए। आयुर्वेद को मानने वाला रिपोर्ट नहीं पढ़ता, रोगी की नब्ज पकड़ता है, और महाराष्ट्र की नब्ज पे
मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। तो क्या कहती है नब्ज महाराष्ट्र की? देखो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, समझा रहा। सोमजी भी अक्सर उतावला हो जाता है। देखो शंकर बेटा, मैं गांधीवादी हूं, पर क्रांतिकारी विचारों का खूब अध्ययन किया है मैंने। क्या कहते वो, जो रगों में दौड़े तो पानी है और रास्ते पे बह जाता है तो खून बन जाता है। सुभाष, लड़कपन में तू बिल्कुल ऐसा ही था, जवान खून है, जोश होना अच्छी बात है, पर तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें आएंगी। हर मुश्किल मंजिल पाने का एक मौका होती है। तो तुम करना क्या चाहते हो? सीधी सी बात है, मुझे इस प्रोजेक्ट पे विश्वास है। मैं गांव गांव जाके लोगों से बात करूंगा। क्यों सुभाष, तुम्हें शंकर की सोच पे विश्वास है? हाँ है। तो मुझे भी तुम्हारे बाबा के विश्वास पे विश्वास है। तो ठीक है। इस बार मन से किया, जय हो। तुम्हें क्या लगता है, लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे? नहीं। हेलो हेलो, यस ही इज राइट हियर, अ मिनट। डैड। हेलो, हाय, दिस इज माइक। अनीता तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। सो हाउ आर यू यंग मैन? फाइन। अच्छा शंकर, ये राव साहब का इशू क्या है? इशू राव साहब का नहीं, ठाकरवाड़ी का, संभाल लूंगा। कौन नहीं जानता कि नागरे फैमिली इस तरह के मामले को निपटाने में एक्सपर्ट है। आप लोग जब दबाव लगाओगे। मिस्टर राजन, ये काम दबाव से नहीं, चुनाव से होगा। जैसे मैंने कहा, संभाल लूंगा, डोंट वरी। ओके, कैन गिव द फोन टू अनीता प्लीज। श्योर। अनीता, हेलो, शंकर सर, बाहर की कंपनियां अजीब सी होती हैं, जैसे लोहे की कील है। मतलब? बस ऐसे ही बोल दिया। हिंदुस्तान में हर कोई हथौड़ा लिए तैयार रहता है, ठोकने के लिए। मैं अपने पार्टनर के लिए हमेशा पैसे बनाता हूं, हमेशा। अब ये 200,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो वहां पर है, हम यहां पे हैं। ऐसे में इन 200,000 करोड़ में से थोड़ा भी इधर उधर घुमाया तो आसानी से 200-500 करोड़। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आधा आधा। आधा? वो शंकर जी को एक पुराना किस्सा सुना रहा था। रियली? हाँ। कैसा किस्सा? मुझे रिश्वत देने का। जानता नहीं कि तुम कौन हो और ये कौन है, बस ये जानता हूं कि ये पावर प्लांट महाराष्ट्र की जरूरत है और इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हर आदमी ईमानदार होना चाहिए। ये नसीहत नहीं, चेतावनी है। मेरे
मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। हिंदी बोल रहा था। चिकू, घड़ी मिली जो बाबा ने भेजी थी? पूछो कैसी लगी उसे। आप खुद ही पूछ लो। अरे मैं हाँ, चिकू कैसा है मेरा शहर? घड़ी मिली क्या? पुराने स्टाइल की। अरे मैंने तो तुम्हें बहुत मजबूत और टिकाऊ घड़ी भेजी थी। क्या है तुम्हारा स्टाइल? शंकर काका, आजकल सभी यही बोलते हैं। वो अमृता कहाँ है? बुलाओ उसको। नहीं, आजकल के बच्चे क्या जानते हैं। सही है, आप अपनी पसंद क्यों थोपते हैं? बदलते वक्त के साथ बदलना होगा। बदलते वक्त के साथ अगर हम भी बदल गए तो कैसे पता चलेगा कि वक्त बदल गया? आपकी बातें मुझ पर नहीं चलेगी। हाँ अमृता, कैसे हो? खबर सही है, शॉपिंग मॉल बनाने का ठेका उसके भतीजे को मिला है और जादू उसमें अपना शेयर मांग रहा है। चंदर, अपना टेंडर वापस ले लो। नहीं हो सकता है, ठेकेदारी के लिए कुर्सी नहीं मिली है। और हां चंदर, वो अंधेरी वाला कॉपरेटर का प्रॉब्लम क्या है? क्यों? 3 हफ्ते से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो बहुत नाटकबाज है। वो फैसला मैं लूंगा। देखो मैं कई सालों से उसको या डैड ने हसन काजी को प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। माफी भी मांगी। उसका हमारे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। वो बस आप लोगों से मीटिंग कराने के लिए एक फैसिलिटेटर था। उस पे और वक्त बर्बाद मत करो। ठाकरवाड़ी कब जा रहे हो? कल। मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? I have never been there. शंकर, ठाकरवाड़ी इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। तुमसे ज्यादा मेरा। तुम्हारे हिसाब से लोगों का फायदा प्रायोरिटी है कि प्रोजेक्ट की सक्सेस? अंतर क्या है? प्रोजेक्ट एक इन्वेस्टमेंट है, पैसा वहीं लगाया जाता है जहाँ से फायदा मिले। फायदा वही है जो सबका। रंग ये कितने सारे पानियों पे लहराते के तारे सुरमई से लगे रूप निखरे हुए लोग इस बेवकूफी में जीते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पैसा कमाना है। जिंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं, बदलाव लाना है। और ये बदलाव अपना पावर प्लांट लाएगा। प्लांट बनाने के लिए पैसा चाहिए।
एग्जैक्टली, प्लांट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए प्लांट नहीं। छुपके छुपके रात से छुपके हरे आने लगा है, से भीगे चाबारों को छुपके जाने लगा है। तुमका सूरज मुझे गुनगुनाने लगा। कितने भी करोड़ों कमा ले, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये पावर प्लांट और इससे हुआ बदलाव रहेगा, क्योंकि एक सोच है और सोच कभी मरती नहीं। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला क्या था? अपने भाई को मारने का। बहुत प्यार करते थे मुझसे, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनकी हर गलती अनदेखा करता था। लेकिन बाबा पे हमला, मैं बदलाव की बात करता हूं, अपने भाई को बदल नहीं पाया। For dad, it's all about money. सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। मां के जाने के बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। उन्होंने बिजनेस में तो शामिल कर दिया, लेकिन वो डैड कम, बॉस ज्यादा है। इस पावर प्लांट प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत खुश हूं। अपनी तरीके से काम करने का एक मौका है। आई फाइनली गेट टू डू व्हाट आई बिलीव इन। शंकर, वो साला हरामी राव साहब का टट्टू संजय सोम जी तेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। राव साहब, ये सोम जी के बारे में क्या सुन रहा हूं? ऐसा नहीं है कि सोम जी मेरी बात नहीं मानता, मुझे तो अपना आदर्श समझता है। पर इस मामले में पता नहीं क्या समस्या है, तुम ही बताओ। मैं क्या करूं? बाप दादों का खून जलाने के लिए ही बेटे पैदा होते हैं सुभाष। शहर के कुत्ते हैं ये सब पावर प्लांट वाले। ये पावर प्लांट वो शहरीला पौधा है जो ठाकरवाड़ी की जमीन को बंजर बना देगा। तुम्हारे घर की नींव खोद के पावर प्लांट लगाएंगे और बिजली का तार खींच देंगे मुंबई थाना की तरफ। तकते रहोगे नंगे बिजली के तारों को। शंकर नागरा तुम्हारे हाथ काटना चाहता है। फैसले का वक्त है भाइयों मानो, अपने हाथ कटवाओगे या उनके काटोगे? शंकर नागे चाहता है कि हम अपनी माँ इस जमीन का सौदा कर दे। उस शहर के लौटे की बातों में मत आना जो तुम्हारी जमीन हथियाने के लिए अपने बाप के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार जमीन हाथ से चले गई फिर कहाँ ढूंढते फिरोगे? शंकर नागे और गौरी बहन को इन शहर के लोगों ने अपनी हाथ के लिए हमें भूखा रखा, हमने खुद नहीं कहा। पर अगर हमारी जन्मभूमि, पुण्यभूमि, मातृभूमि ठाकरवाड़ी में किसी ने पूरी नजर उठाई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कुछ कहेंगे नहीं, चीर के रख देंगे तुम लोगों। कैसे चोरी की है समझ के बोलो।
सॉरी, चलो। सरकार पे तो आप बिजली गिरने वाली है। बस इतना ख्याल रखिए कहीं आपको करंट ना लग जाए। करंट अगर बत्ती जलाता है तो शॉक भी देता है। बत्ती जलाने के लिए थोड़ी ना बने आप सीएम। क्या फर्क पड़ता है, 19-20 वाली बात है ना। एक जैक चाहिए बस। कौन? कांतिलाल बोरा। बोरा नहीं, बोरा, 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 वो बोरा। सरकार, यह है मेरा बेटा कल्पेश मोरा। कांतिलाल बोरा। बोरा, बोरा। सरकार, मैं बहुत फ्रैंक आदमी हूं। मैं चाहता हूं यह पावर प्लांट महाराष्ट्र की बजाय गुजरात में बने। 50 करोड़ के शेयर्स होरा इंडस्ट्री के,
वो रहा। सरकार, अगर आप अपने बेटे शंकर को समझाए वो इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ज्यादा ही। तो आप मेरे बेटे के खिलाफ मुझे रिश्वत दे रहे हैं? रिश्वत नहीं, टोकन, दोस्ती। सरकार हर बाप अपने बेटे के बारे में सोचता है, आप भी। मैं, हेलो भाभी जी, कांतिलाल बोला, मैं संत कल्पेश हो रहा। सरकार ये प्रोजेक्ट अगर कुछ कुछ और बात करो। थैंक्स। इडली सांभर साला, उस समझी बात करने को तैयार नहीं है, सिर फोड़ देते हैं साले का। एक बार पब्लिक के सामने पैजामा उतर जाएगा ना, सारी नेतागिरी भूल जाएगा। गवार गए का चंदर, मैं सोम जी से मिलना चाहता हूं। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, उस गांवटी के साथ बात करना बेकार है। चंदर, कितनी बार बोला है चिल्लाओ मत। मेरा मानना है महाराष्ट्र को जितना भला मैं चाहता हूं वो भी चाहता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से होने वाले बदलाव से अनजान है, इसीलिए हमारे खिलाफ खड़ा है। मैं उसे बैठा के समझाना चाहता हूं इस प्रोजेक्ट से कितना फायदा हो सकता है। अगर वो सही में लोगों का भला चाहता है जरूर समझेगा। तुम बस मीटिंग फिक्स करो। के पास गई थी चेकअप के बाद, उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए बोला। ब्लड टेस्ट क्यों, क्या हुआ? अवंती, क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है 7 महीने बाद। मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? सॉरी काका, डॉक्टर ने बोला था डिले होगा, मैंने सोचा जब कंफर्म हो जाए तब बताऊंगी आपको। आप गुस्सा नाक पे लेके रहते हैं, इतनी छोटी सी बात पे डांट दिया इसे। अरे डांट कौन रहा है, इधर आओ। ए चंदर, 100 रुपए देना। 1 रुपया हाथ दो। खुश रहो, कुछ नाम वगैरह सोचा? लड़की हुई तो लक्ष्मी कैसे नाम रहेगा? एकदम मस्त है सरकार, पर लड़का हुआ तो गणेश जकास। पर पंडित जी ने कहा कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम विष्णु।
क्या गलती हो गई मेरी विष्णु के साथ। कई बार हमारे उसूल जिंदगी से बड़ा हो जाते। मैं जानता हूं मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसे कांतिलाल वो आया था आज, जानता हूं। शंकर चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं, वो भी जानता हूं। वो आदमी ही शंकर। बाबा मैं संभालूंगा। जानता शंकर, हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए मैं एक छोटा सा गेट टुगेदर रख रही हूं, तुम्हें आना है एंड फैमिली के साथ। या बाबा, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका पछतावा नहीं और ना ही आपको होना चाहिए। हमें विष्णु भैया को भूल जाना चाहिए। पहला, किसी से नफरत नहीं करनी। दूसरा, प्यार। दो दीवाने शहर प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। शंकर को प्यार हुआ है। माइक राजन के पैसे पे छोटे सरकार ठाकरवाड़ी के हीरो बन गए गॉगल लगा के। मेरा हीरो है दर रर रर। हीरो बनना इतना आसान है तो तुम क्यों नहीं बने? बंदरों ने मंत्रालय में उत्पात मचाया। हिंदुस्तान में लोगों को डेवलपमेंट नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए। मतलब क्या हुआ? हाँ, सभी मामलों को निपटाने का एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? अरे क्या, अभी पूरी तरह से आया नहीं। सुमन जी से कहो मुझसे आके मिले। जी शंकर। संजय सोम जी का फोन है। हेलो, बोलो। सोम जी, देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं,
जब मकसद एक है तो अलग अलग रास्ते क्यों? हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं। गुमराह नहीं, जागरूक हो रहे हैं। वो जान गए तुम्हारी असलियत। क्या है मेरी असलियत? ये कि तुम एक नंबर के फ्रॉड हो। शर्म आती है मुझे कि तुम्हारे जैसे लोग महाराष्ट्र में पैदा हुए। झूठे वादे कर रहे हो तुम मेरे लोगों से। वो मेरे भी लोग हैं। तुम एक बार मुझसे मिलो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ो। जब तुम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानते नहीं हो। एक मिनट हाँ सुनो, जरा एसी ऑन करना प्लीज। तो किस बेसिस पे कहते फिर रहे हो कि नुकसान है? गर्म अफवाहों के इस माहौल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जहां पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है, वहीं उनके पास इस बात का जवाब नहीं कि जब मुंबई के सबसे शक्तिशाली आदमी सरकार का घर सुरक्षित नहीं तो पूरे शहर का क्या। अस्पताल में मुंबई के महानायक की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। गौरतलब है कि एक बॉम्ब विस्फोट में शंकर नागरी की धर्मपत्नी और सरकार की बहू श्रीमती अवंतिका नागरी की दर्दनाक मौत के बाद सरकार को दिल का दौरा पड़ा था। क्योंकि विस्फोट घर के कंपाउंड में हुआ, इसलिए साजिश में किसी अंदर के व्यक्ति का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है, किसका काम है? बाला, आज से सारी सिक्योरिटी तुम संभालोगे। शंकर, क्या ये सब? पहली बार गलती हुई है मेरी। हमारे यहां गलती पहली बार नहीं, आखिरी बार होती है। जानता हूं मैं। देखो, मुझे एक मौका दो, मैं पूरी कोशिश। कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए मुझे। देखो, आज तक कभी बेफजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास चंदर। तो ठीक है, तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त नहीं, तो मैं यहां रह के क्या करूंगा? जाओ। अवंतिका का दूसरा महीना चल रहा था।
बॉम्ब किसने लगाया? कुछ पता चला? जानता। मुझे पापा से मिलने हॉस्पिटल जाना है। मैं आ सकती हूँ? थी तुम्हारी नहीं है, जिम्मेदारी मेरी थी। अपनी शर्तों पे चलने वाले को कीमत चुकानी पड़ती। बाबा, मैंने चंदर को निकाल दिया। वजह होगी? हाँ। और तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा? हमारा साइट ऑफिस बन गया है, 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। दूर के फायदे के लिए नजदीक ही नुकसान बोलना पड़ता। ये नुकसान कैसे भूलूं बाबा? बारे में चिंता मत करो। मैं जानती हूं, पर जो तुम्हारी सोच रही है उसे बदलना मत। अनीता, अब सोचने का नहीं, करने का वक्त है। सोच हमेशा अच्छी होती है, मतलब बदल जाता है। मैं इतना ही तो बोला कि बेटा छोटी स्कर्ट मत पहना करो, वरना उसमें मच्छर घुस जाएगा। मच्छर को अगर काटना है तो वो काटता ही है, लेकिन मुझे तो डर लगने लगा है कांतिलाल बोरा साहब। किसका? इस बात का कि मुझे डर क्यों नहीं लगता। अंडा फोड़े बिना ऑमलेट नहीं बनता।
मतलब शंकर अंडा और ऑमलेट महाराष्ट्र और हम मसाले। थैंक यू संजय सोम जी कल सुबह 8 बजे बीकापुर से निकल रहा है। के लिए बाहर निकला था। सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे? अपने देश में सिक्योरिटी रखने से क्या होता है, और ये तो अपने आप को मराठवाड़े का फैंटम समझ के सिक्योरिटी रखने से इनकार करता है, तो कौन क्या करेगा। आजकल के नेता लोग अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझते हैं। बनो भगत सिंह, जमाना गया अभी। राव साहब क्या कह रहा है? सर, सोम जी की गुमशुदगी के पीछे कौन हो सकता है? आपको किस पे शक है? इस पर करना चाहिए। शंकर नागरे। किस पे? शंकर नागरे। देखिए, मैं गांधी बाबा के रास्ते पे चलने वाला एक लकीर का फकीर हूँ। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करूँगा। सच्चे आदमी के 1000 दुश्मन होते हैं। आप सब लोग यहाँ ठाकरवाड़े तक आए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। क्या लगता है तुम्हें? समझी के किडनैपिंग के पीछे कौन है? हसन काजी, उसी ने हमारे घर में बम लगाया, उसी की वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ, और उसी की वजह से आज अवंतिका हमारे बीच नहीं। हसन काजी। शंकर, जज्बात जिंदगी में भारी पड़ सकते हैं। जिस जगह पर हम हैं, जो जिम्मेदारियां हम पे हैं, उन्हें देखते हुए किसी भी चीज को निजी तौर पर नहीं लेना चाहिए। बाबा, सब कुछ निजी है, सब कुछ। किसने किडनैप किया होगा?
तुम्हें लगता है कि मैंने किया है? नहीं। सब लोग को ये लगता है कि मैंने किया है। ये सब कैसे सहते हो तुम? आदत पड़ गई है अनीता, मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूं, पर अगर लोग इसे अपने नजरिए से देखना चाहे तो देखें। मैं रहूं क्या है? मुझे कोई मजा नहीं आता कि मैं ऐसी जिंदगी जी हूं। दुश्मनी मोल लो, बीवी को खो दो, अपने भाई को मार दो, फैसले हालातों से निकलते हैं। और मैंने ये फैसला लिया है कि ये पावर प्लांट को मैं पूरा करके रखूंगा, और अगर सोम जी ये बात नहीं समझ सकता है तो मैं उसे किडनैप नहीं सीधे मार दूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की तरक्की के सामने कोई कुछ नहीं, ना सोम जी और ना ही मैं। शंकर, glad you made it. My dad's here. आज सुबह आए लंदन से. There he is. Come. Hi शंकर, तुम्हारे बारे में इससे सुन सुन कर मैं बोर हो गया। तुम कहते थे ना कि मुझे कोशिश नहीं नतीजे चाहिए। मैंने सोम जी का पता लगा लिया है, उसे उस साले हसन गाजी ने किडनैप करके रखा है। अनीता, मुझे पब्लिक की बात करने वाले शंकर जैसे किताबी लोग नहीं चाहिए, मुझे कांतिलाल वोरा जैसे फ्लेक्सिबल लोग चाहिए। इसका मतलब आप ये प्रोजेक्ट कांतिलाल वोरा को दे रहे हैं? दे दिया। और ठाकरवाड़ी के लोगों के घर घर जाकर जो हमने प्रॉमिसेस किए थे उसका क्या? हेलो, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू डैड? ये जरा सा धोखा है। डू नॉट बी मॉरलिस्टिक। बिजनेस का एक ही मतलब होता है, प्रॉफिट। आप बिजनेस का मतलब नहीं समझते। व्हाट यू लाफिंग अबाउट? शंकर कांतिलाल वोरा नहीं है जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। शट अप, आई डोंट वांट टू हियर दैट शंकर नेम एनीमोर, ही इज आउट। आउट? आउट? शंकर ये होने नहीं देगा। ओह रियली? शंकर को हम संभालेंगे। वोरा जी, किसी की गम गम, इसे मिली है मेरी बेटी अनीता। हेलो बेटा, आज गुजरात में तुम्हारे जैसे यंग डायनेमिक बिजनेस लीडर्स की बहुत जरूरत है। क्या पीजिएगा आप? विस्की। बेटा, विस्की। अनीता बोलती थी शंकर में काम करने नहीं देगा। शंकर को हम गपुची गपुची गम गम, मैं भी वही कह रहा था। कुछ और बातें करें? हाँ चलिए। Ha ha ha!
बीबी का कोई स्वरूप ये विचार जी। प्रणाम शंकर बेटा, जब मैंने तुम्हें पहले बार देखा तब मैं समझ गया था कि तुम्हें सुभाष से भी कहीं आगे जाने की क्षमता है, और आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हें समझ के साथ शक्ति भी है। बेटा, मैं सोम जी की आस ही छोड़ बैठा था, लेकिन तुम मेरे भगवान बन के आ गए, बहुत आगे जाना है तुम्हें और उसे भी। माइक राजन जी, आपका क्या, आप तो जाके बैठे लंदन ठंडे में, यहां तो गर्मी बढ़ रही है ना। हसन काजी के बाद अब क्या क्या होने वाला है, वी डोंट नो एनीथिंग। यू टू क्या बोला, टेक केयर। अब शंकर का क्या करें, करना तो है ही ना। क्या करें, क्या करे, वही तो मैं पूछ रहा हूं क्या करे। मैं भी वही पूछ रहा हूं ना, क्या करे। क्या करे, निकी को बुलाए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, दिमाग खराब हो गया क्या। नहीं नहीं, कैसे मारेगा, बताना नहीं चाहता। Thank you.
बहुत सोच विचार और मंथन के बाद हमने अपना शेपर्ड पावर प्रोजेक्ट विरोधी आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। क्या आप पे शंकर नागरे का कोई दबाव? दबाव नहीं, प्रभाव शंकर के विचारों का। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट से जुड़ा हर पहलू समझाया, उसके फायदे बताए। अब कुएं का मेंढक बनने का जमाना गया, अब सर उठा के नए जमाने में कदम रखेगा ठाकरवाड़ी। अगर वापस ही लेना था तो विरोध क्यों किया? जिस कारण विरोध किया था मैडम, उसी वजह से वापस लिया है। आपने सोम जी को ऐसा क्या समझाया कि वो मान गए? यही कि हमारे सोच अलग है लेकिन सपना एक। झूठ! गुंडे हैं ये सबके सब। पहले तो मुंबई में गुंडागर्दी किया करते थे, अब गांव तक पहुंच गए। सोम जी आप डरिए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। बोलिए सोम जी बोलिए, आइयो हम सब आपके साथ हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ठकोसला है, ठकोसला है ये। बस बस बस, बोलने दीजिए जो बोलना चाहते, बोलिए। 40,000 लोग जो इस प्लांट के कारण अपनी जमीनें खो देंगे, उनका क्या होगा? क्या होगा उनका? उसके जिम्मेदार कौन है? आप और आप जैसे लोग जिन्होंने कभी उनके बारे में सोचा नहीं। और अगर कोई कुछ करना चाहता है तो आप उससे सवाल पूछते हैं। हमें दुख इस बात का नहीं है कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, वो तो आपका काम है। अफसोस इस बात का है कि आप अपने सवाल के मतलब नहीं समझते। यहां जिस किसी को भी प्रॉब्लम है मेरे ऑफिस आए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़े और उसके बाद जो भी सवाल है उनके जवाब आपको खुद मिल जाए। और खुद थैंक यू। डैड और कांतिलाल वोरा की पार्टनरशिप हो गई है, ये प्रोजेक्ट गुजरात जा रहा है। जा नहीं रहा, ले जाने की कोशिश हो रही है। डैड कह रहे थे कि वो लोग तुम्हें संभाल लेंगे। बहुत सारे पैसों का ऑफर देकर। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने बेवकूफ हैं कि तुम्हें पैसे से खरीदने की सोचेंगे। और क्या हो सकता है? आई डोंट नो। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था काजी, वो चला गया। बचा सोम जी और अब वो मेरे साथ है। उसी का तो डर है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है क्या करेंगे? बोलो। डैड जिस तरह से बातें कर रहे थे, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा। अनीता, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम उन लोगों की बातों से परेशान हो रही हो क्योंकि तुम मुझसे
सब ज्यादा वक्त नहीं है सरकार। चिंता की कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर से बात हुई, वो कह रहा था ये सही समय पे ले आए। मुझ पे देखो कितने हमले हुए। वो नेता ही क्या जिसमें हमले ना हो। ये हमला तुम पर नहीं, तुम्हारी सोच पे हुआ है। तुम्हारी सोच पे अभी बहुत काम बाकी है। कुछ दिन आराम के बाद तुम बिल्कुल पहले जैसे
इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूं, मैं भी साथ में चलूंगा तुम्हारे, ले जाओगे। डॉक्टर कह रहा था अब कोई खतरा नहीं है, कोई कभी प्रोजेक्ट बनेगा शंकर के लिए, मैं पूरा करूंगी उसका सपना, मैं पूरा करूंगी उसका सपना। Thank you.
काम है तो बोलना फिर। हाँ मैं बोलता हूँ सरकार। हाँ आपसे मिलने सरकार के यहाँ से कोई आया है जो, नहीं तो ऑफिस में आ जाना इधर। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। क्या बिल्लो क्या हो रहा है? बैठो। क्या हो रहा है? हाँ आजकल तू भी सिक्योरिटी लेके घूम रहा है? क्या हेलो सरकार को सब पता चल गया है। क्या क्या शंकर के बारे में? क्या क्या शंकर के बारे में पता चलता है? हाँ लो तू आ जाना, चल एक मिनट तुम आ बिलो चले जा। एक मिनट हे हट, बिलो बिलो ए तू आ अंदर क्या कर रहा है? एक मिनट कुछ क्या ए शंकर मेरे बच्चे नहीं जा रहे साल में आपके पैरों में था, आपकी परछाई था मैं। जब वो अमरीका चला गया तब भी मैं यही रहा, यही मैं। सरकार शंकर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बताइए ना मुझे, समझाइए क्यों दूर किया मुझे आपसे? कल के लौंडों पे भरोसा है उसे और मुझ पे नहीं। भाई बना के छोड़ दिया, यही नाम दिया मुझे मेरी वफादारी का। सरकार बताइए ना मुझे, समझाइए। आपको मैंने अपना भगवान माना है, आप थे आप रहेंगे,
पर वो शंकर गलत बोल रहा हूं मैं बताइए गलत बोल रहा हूं मैं सरकार समझाइए ना मुझे बताइए ना मैं गलत हूं समझाइए आप जो बात तुम 20 साल में नहीं समझ सके वैसे आप समझाने से क्या फायदा सरकार कुछ देर पहले लंदन में मेरे आदमी ने तुम्हारे पिता को मार दिया चंदन गंगा गोरा सब खत्म ये मोरे थे हसन काशी भी सबके सब मोरे जरूरत से ज्यादा वफादारी और खुददारी के बीच एक बहुत ही महीन फासला होता है चंदर मेरे बाद मेरी जगह लेना चाहता था शिंदे को सीएम बनाने के मेरे फैसले से कांगा नाखुश था वो गवर्नमेंट गिराना चाहता था पैसों की भाषा समझने वाला कांतिलाल वोरा और तुम्हारे डैड के बारे में तो अब तुम सब कुछ जाने गए हो इन सब का रास्ता रोके इनके सामने खड़ा था हमारा शंकर इन लोगों ने उसकी सोच और उसके जज्बात को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया शंकर समझता था कि ये सब कुछ पावर प्लांट से गलत पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है वो नहीं जानता था कि पावर प्लांट तो सिर्फ एक पर्दा है एक बहाना एक मुखौटा जिसकी आड़ में गंदी राजनीति का एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा था एक बहुत बड़ी साजिश थी हमारी बनाई हुई सरकार को गिराने की शंकर को खत्म करने की और सोम जी को महाराष्ट्र का नया नेता बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश किसकी राजा
राव साहब ने सोम जी को शंकर के खिलाफ खड़ा किया, हसन काजी से मिलकर उस कार में बम रखवाया, सोम जी के किडनैप का खेल खेला, राव साहब के इशारे पर कांतिलाल वोरा और कांगा ने उस खूनी को पैसे दिए और हमारे शंकर के ठिकाना उसकी जानकारी देने वाला कोई और नहीं, हमारा चंद्र था। ये सब के सब जहर से बुझे हुए तीर थे, पावर प्लांट एक तरकश और तीर चलाने वाला राजा। लेकिन चंद्र तो हमेशा शंकर के साथ था, बम फटने से पहले सोम जी को बचाने में, और उसके बाद भी जान लेना जुर्म है, सही समय पे जान लेना राजनीति। अगर उस बम विस्फोट से शंकर नहीं रहता तो जनता सोम जी के साथ रहने के बजाय उसके खिलाफ हो जाती। शंकर ने समझा कि हसन काजी के मरने के बाद सोम जी उसके साथ हो गए, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि राव साहब सोम जी के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। शतरंज की इस मिसाद पे राव साहब ने सभी मोरों का इस्तेमाल किया, चाहे शुरू में शंकर का विरोध हो या बाद में समर्थन। और जब हमारा शंकर गिरा तो जनता की नजरों में सोम जी शंकर का भाई बन चुका था। कौन होगा शंकर के बाद? सुबह राव साहब यहां आ रहे हैं, शंकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
शंकर का सुन के कलेजा छिल गया मेरा। आज इतना गिर गए हम, राजनीति का इतना पतन, क्या हो गया इस दुनिया को? ध्रुव तारा तो एक ही होता है, तुम ही बताओ क्या कोई कभी शंकर की जगह ले सकेगा? कौन है अब शंकर के जैसा? उसके बाद जिंदगी में हमेशा वही किया है जिसे मैंने सही समझा। जिंदगी हमेशा अपनी शर्तों में जीता रहा। कभी किसी से डरा नहीं, कभी नहीं। लेकिन अगर मुझे पता होता कि मेरे कर्मों की सजा तुझे मिलेगी तो शायद मैं ऐसा करता नहीं। किसके लिए किया ये सब? कौन है मेरे पास? विष्णु चला गया, चीकू अमृता, बेटी अवंतिका, किसी को नहीं रोक सका मैं जाने से। और अब तो मेरी हर सांस तेरे पछतावे में हमेशा जलती रहेगी।
बार मुझे चीकू चाहिए। अमृता को फोन करो, कहो नागपुर से उसे फौरन यहां भेजो। शिंदे को फोन लगा, बोलो जल्दी आए। राधा जी, एक चाय लाओ। Govinda, 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 Govinda.